नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर नीरज कुलकर्णी व्लॉग्स चैनल में। और मैं हूँ डॉक्टर नीरज कुलकर्णी। मैं आज आपके लिए और एक अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। आज मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, मतलब मंगाए तो 2-3 दिन पहले थे, लेकिन उसको लॉकडाउन की वजह से आने में थोड़ा लेट हो गया। सो आज ये प्रोडक्ट्स जस्ट अभी मेरे घर पर पहुँचे हैं। ये है बॉक्स अमेज़ॉन से आया हुआ। सो ये कुछ एक्सेसरीज़ है DJI ऑस्मो एक्शन के लिए जो मैंने मंगाई है, तो मैं इसका प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके आपको सारी अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा। और वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको लास्ट में इसके कुछ इक्विपमेंट के साथ कैमरा यूज़ करके उसके कुछ फुटेजेस इसमें ये वीडियो के एंड में डालूंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। बूम। के अंदर और एक बॉक्स, ये यंत्रालय कंपनी का कुछ प्रोडक्ट्स है, स्कूल ऑफ गैजेट्स लिखा है इसके ऊपर। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। सो गाइस, ये खुल चुका है बॉक्स मेरे सामने, और यहाँ पे पॉलीथीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें अलग 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 यहाँ पे रख के फिर आपको इस वीडियो के अंदर आगे लेके चलता हूँ। तब तक फिर वेट कीजिए। बूम। तो गाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिखेर दी है मैंने। तो ये सबसे पहले मैंने उठाया, ये शायद मुझे लग रहा है रिस्ट स्ट्रैप होगा। ये टूटा हुआ है या ये ऐसे ही होता है, पता नहीं। तो अब देखते हैं, इसको खोल के, बहुत टाइटली चिपका हुआ है ये। तो ये शायद इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे डाल देना है, और फिर इसको अपने रिस्ट में पहनना है और इसको टाइट कर लेना है। तो ये बेसिकली अपने रिस्ट के ऊपर आप कैमरा को माउंट करके कुछ भी राइड वगैरह कर सकते हो, बाइक राइड कर रहे हो या स्विम कर रहे हो, किसी टाइप का स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो इसमें ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये हो गया, इसको रखते साइड में। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़। तो ये है चेस्ट स्ट्रैप। तो ये बेसिकली ये आपके चेस्ट के ऊपर रहता है, और ये आप ये शोल्डर के ऊपर जाएगा आपके, दोनों साइड में एक एक है। तो ये आप प्रॉपरली पहन के फिर इसमें कैमरा माउंट करके कहीं पे भी जा सकते हो, तो प्रॉपरली सामने का व्यू जो है वो ऐसे दिखेगा जैसे आप खुद इसको देख रहे हो। तो ये भी रखते साइड में फ़िलहाल के लिए। ये है कुछ, इसको कहते हैं बलून होल्डर, शायद ऐसा ही कुछ नाम है इसका। इसका काम ये है कि ये अगर आप पानी में कैमरा यूज़ कर रहे हो कभी भी, तो ये अगर आप उसको लगा के रखते हो तो ये कभी भी डूबेगा नहीं आपका कैमरा। अगर गलती से आपका कैमरा छूट भी जाता है आपके हाथ से, तो ये जो है ये आपके कैमरा को फ्लोट करते हुए रखेगा, और आप फिर जाके, और ये इजीली दिखता भी है दूर से। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और काफ़ी ग्रिप भी इसकी अच्छी है। तो इसको भी रखते साइड में। और ये मुझे लगता है हेड स्ट्रैप है, तो इसको अपने सर पे पहन के यहाँ पे आपका कैमरा माउंट होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर आप अपना कैमरा माउंट करके फिर पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें दिखा सकते हो, जो आप देख रहे हो वही आपके व्यूअर्स देख सकते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली इसको अगर आप कैप के ऊपर यूज़ करोगे तो आपको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। कैप पहनिए, फिर इसके ऊपर ये लगा दीजिए, और इसके ऊपर अपना कैमरा माउंट करके यू आर गुड टू गो। तो अब ये मुझे जहाँ तक लगता है ये है, ये शायद बैग में लगता है। हाँ सही है। तो ये बैग के किसी एक हैंडल को, जैसे अभी आपने बैग पहनी है तो ये साइड में हैंडल को ऐसे खोल के आप लगा दें,
और फिर इसके ऊपर अपना कैमरा माउंट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी रखते हो। ये एक बड़ी काम की चीज़ लगी मुझे, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज चीज़ होने वाली है मेरे व्लॉग्स में आगे। तो ये है एक कार का लाइक होल्डर, ये सक्शन से ऐसे लगता है, तो यहाँ पे लगा के फिर अपना कैमरा आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हो इजीली। कुछ इसको ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं, एकदम इजीली आप इसको माउंट कर सकते हो। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। अब देखते ये तो भाई साहब पूरे कंटेंट्स में ये सबसे बेस्ट कंटेंट है। ये है एक मिनी ट्राइपॉड, तो आप इसको कभी भी ट्राइपॉड जैसा भी यूज़ कर सकते हो ऐसे खोल के, और आप इसको बंद करने के बाद ऐसे हैंडल जैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा हैंडल बनेगा। वो बड़ा सा हैंडल जो होता है वो उतना खास नहीं लगता, लेकिन ये प्रॉपरली आप इसको ग्रिप करके कहीं पे भी अपने कैमरा को इजीली आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और व्लॉगिंग या जो भी चीज़ें आपको शूट करनी है वो कर सकते हो। तो ये मुझे पता नहीं है कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप दिया हुआ है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ये पता नहीं मुझे, तो साइड में रखते हैं। तो ये है सेल्फी स्टिक कम, ये ट्राइपॉड तो नहीं है, मोनोपॉड है, ये खुलता नहीं नीचे से, लेकिन ये ऐसे बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको कैमरा को माउंट करके इजीली इससे सेल्फीज़ या पानी में कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो इजीली आप इसको माउंट करके ले सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी। अब आते हैं ये तो आपको पता ही होगा, पुराने मोबाइल्स में आता था ये, ऐसे लगता था। तो ये जस्ट सेफ्टी के लिए आपके मोबाइल के, मतलब ये तो कैमरा के सेफ्टी के लिए, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये कुछ माउंट्स है, तो ये शायद ट्राईपॉड मोनोपॉड इसके ऊपर लगने वाले सब माउंट्स है। ये स्क्रूज है कुछ जो काम में आएंगे, और ये कुछ एडहेसिव टेप्स है जो अलग अलग सरफेसेस पे आप लगा के चिपका सकते हो। टू साइड टेप्स है इसमें, तो जैसे भी आपका ये जो माउंट्स है उसके शेप के हिसाब से आप सिलेक्ट करके फिर इस पर चिपका के ये लगा सकते हो और उसके ऊपर कैमरा माउंट कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने जैसा है नहीं, ये भी कुछ वही है। और ये जो है ये बैग है छोटी सी कैरी करने के लिए, आपको जो भी सामान कैरी करना है आप इसमें इजीली कैरी कर सकते हो। इसकी क्वालिटी ओके बोल सकते हैं आप, ख़राब बोल सकते हैं, इतनी खास नहीं है। एक बार अगर आप खींच लोगे तो शायद फट भी जाए, पता नहीं, लेकिन शायद वाटरप्रूफ जैसा लग रहा है, ये नायलॉन या क्या है पता नहीं, लेकिन वाटरप्रूफ लग रहा है। तो ये भी साइड में रखते हो। और ये क्या है चीज़ पता नहीं मुझे, तो खोल के देखना पड़ेगा। तो गाइज़ ये क्या है मुझे डेफिनेटली आइडिया नहीं है, शायद कुछ कुछ पता नहीं, ये कुछ अलग है, मॉइस्चर वगैरह क्लीन करने के लिए है ऐसा लग रहा है, मॉइस्चर स्ट्रिप्स वगैरह शायद वही होगा, कैमरा पे या लेंस क्लीन करने के लिए मॉइस्चर स्ट्रिप्स होंगे जो इजीली आप इससे शायद क्लीन कर सकते हो, आई डोंट नो। बस ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो अब आते जस्ट मैं कैमरा को टिल्ट कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। तो अब गाइज मैं थोड़े से इक्विपमेंट्स को यूज़ करके उसके थोड़े शॉट्स इसके बाद शेयर करूँगा, तो आप देखना आपको पता चलेगा आपको बाय करना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखना, एंड में मैं इसकी प्राइस बताऊँगा, काफ़ी अच्छी प्राइस है, तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। अब चलते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ, मैं कुछ इक्विपमेंट्स खुद यूज़ करके उसके शॉट्स आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ आउटडोर होंगे कुछ इंडोर होंगे, तो बी रेडी फॉर दैट, तो सी यू। तो गाइज ये जो है ये हेड माउंट है, मैंने हेड से इसको माउंट कर दिया अच्छे से, तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से ये स्ट्रैप बैठता है, तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब एकदम मुझे लगा था देखने के बाद कि थोड़ा चुभेगा,
लेकिन बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा, पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ पहना है सर के ऊपर। और आप देख सकते हो कि मैं ये कुछ, अगर जैसे मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने हाथों से, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं अपने हाथ वॉश कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये है हेड माउंट के साथ, तो अब इसको मैं माउंट करता हूँ अपने चेस्ट के साथ और फिर आपको मिलता हूँ। अब ये चेस्ट पे लग गया है मेरे, सो ये है मेरा चेस्ट माउंट, मैं आपको बड़े मिरर में दिखाता हूँ। सो ये है मेरा चेस्ट माउंट, इस पर ये लग चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आप इससे प्रॉपरली शूट कर सकते हो, आप कुछ काम कर रहे हो तो अच्छे से ये दिखा सकता है आपको, कुछ भी कर रहे हो तो ये आप अगर कहीं वॉक करोगे तो ये अच्छे से आपका हर एक चीज़, अगर जॉग करोगे आप तो ये रिकॉर्डिंग कर लेगा, ये भी काफ़ी अच्छा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट स्ट्रैप। तो गाइस ये मैंने रिस्ट पे माउंट किया है, रिस्ट स्ट्रैप मुझे ठीक ठाक लगा, जैसे आप अगर मोटो व्लॉग वगैरह कर रहे हो या बाइक चला रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो, बट ये मुझे ओके लगा, क्योंकि इसमें आपका हाई पेन होने लग जाएगा, आप कितनी देर तक ऐसे स्ट्रेट रख सकते हो इसको, तो मैं आपको एक बार मिरर में दिखा देता हूँ ये किस तरीके का दिखता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है अपना रिस्ट स्ट्रैप, इसको आप उल्टा भी माउंट कर सकते हो कैमरा को आगे की साइड में टर्न करके, तो ठीक है ये भी। अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे बॉक्स में, तो ये है वो ट्राइपॉड जो मैंने पहले दिखाया था, छोटू सा ट्राइपॉड, बहुत अच्छा है व्लॉगिंग के लिए, आप इससे आसानी से व्लॉग कर सकते हो, आप चलते चलते आराम से इसको होल्ड करके, और ये नीचे ज़्यादा दिखता भी नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका ओवरव्यू कैसा दिखता है ये। तो ये एकदम फनी सा छोटू सा है, एकदम क्यूट सा है, तो ये ओपन भी हो जाता है, अगर आपको इमीडिएटली कहीं रख के फटक से कुछ शॉट लेना है तो आप इसको रख भी सकते हो, तो ये काफ़ी बेहतर है। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा इन चीज़ों में, तो मुझे सबसे अच्छा लगा जो ये है, जो ट्राइपॉड है जो मैंने छोटा सा मिनी ट्राइपॉड हाथ में अभी पकड़ा है, वो सबसे अच्छा लगा। उसके बाद जो अच्छा लगा वो हेड माउंट अच्छा लगा, क्योंकि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मैं हेड पे उसको माउंट करके फिर आराम से लेके जा सकता हूँ। और उसके बाद जो अच्छा लगा वो चेस्ट स्ट्रैप लगा, पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी देते हैं, चेस्ट स्ट्रैप थोड़ा सा ज़्यादा व्यू देता है, कुछ कर रहे हो आप तो ज़्यादा दिखेगा सामने वाला, हेड माउंट से आप नीचे का दिखा सकते हो, कुछ कुकिंग कर रहे हो तो प्रॉपरली आप उसको दिखा सकते हो। और बाकी कार माउंट तो है ही है, ये भी अच्छा है, एक अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करके कार में अपने कुछ शूट करना है, कार में से कहीं आप जा रहे हो तो आप इसे शूट कर सकते हो। मोनोपॉड भी अच्छा है, आप सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हो, वाइड एंगल सुपर व्यू ऑन करके वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो, और ये भी अच्छा है, ये आप कहीं पानी में वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका इतना एक्सपेंसिव कैमरा डूबे नहीं। बस बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी ही है, सब अच्छी है, कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स दे रखे हैं उन्होंने, और एडहेसिव टेप्स जो है वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, तो मैं कभी उसको यूज़ करूँगा अलग अलग सर्फेसेस पे और फिर उसका रिव्यू दूंगा आपको, एक छोटा शॉर्ट में रिव्यू दूंगा कि कैसी है चीज़ें, लाइक कितने दिन तक वो चिपक। कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 1299 रुपीज़, काफ़ी बेहतर प्राइस है, इतने सारे प्रोडक्ट्स, 40 प्रोडक्ट्स है, मतलब उन्होंने 40:1 का रेशो दिया हुआ है, तो 40 प्रोडक्ट्स है, मैंने गिने नहीं लेकिन शायद होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मेरा पूरा टीपॉय उसमें भर गया है, तो 40 प्रोडक्ट्स इन 1299 रुपीज़ इज़ अ ग्रेट डील, आप परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन से, मैं चाहिए तो नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी के हिसाब से अगर आप पूछे तो क्वालिटी इज़ अबव एवरेज, इतनी एकदम एक्सट्रीमली अच्छी भी नहीं है और बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है, अबव एवरेज है, अच्छी क्वालिटी, आप यूज़ कर सकते हो, कैमरा आपका सेफ रहेगा, ऐसा नहीं कैमरा गिर के टूट जाएगा, बस थोड़ा प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए अगर आप कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो किसी लोकल प्रोडक्ट के साथ, तो थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा सेफ, तो बस यही है, बाकी सारी चीज़ें बेस्ट हैं, मुझे तो प्रोडक्ट्स सारे अच्छे लगे, मैं अभी आगे के व्लॉग्स में ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ का अनबॉक्सिंग किया, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करके
अपना जो व्लॉग्स है वो शूट करता हूँ।